वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैंबो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोस्कोपी टेस्ट के बारे में। हम बात करेंगे कि इंडोस्कोपी टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है इंडोस्कोपी, और इंडोस्कोपी से कोई परेशानी तो नहीं होती है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इसका कितना प्राइस होता है और इसका टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा। सो इस वीडियो में हम इंडोस्कोपी के बारे में कम्प्लीट बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इंडोस्कोपी होता क्या है, तो इंडोस्कोपी एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक पाइप आपके मुंह के जरिए डाला जाता है आपके पेट तथा ड्यूडेनम के तक, और इसे ये देखा जाता है कि यदि आपके पेट में कोई अल्सर है, कोई परेशानी है, और कोई कोई अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, ये इसलिए किया जाता है। हम बात करें कि इससे क्या पता चलता है, तो यह क्यों किया जाता है, तो ये क्या होता है कि आपसे पाचन संधि समस्याएं, जैसे कि आपको उल्टी आती है, पेट में दर्द, कोई निगलने में कठिनाई, या आपको मुंह से खून आता है साथ साथ में, या हो सकता है कि आपको सूजन हो, दस्त हो, पाचन तंत्र मतलब डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, या जो उसका कैंसर होता है उसके लिए, इसलिए किया जाता है। साथ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको बायोप्सी का सैंपल इकट्ठा करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या तैयारी की ज़रूरत होती है, बायोप्सी की प्रोसेस से पहले क्या होता है कि जो आपको लगभग 12 घंटे पहले तक कुछ भी खाना नहीं होता है। इससे मतलब क्या होगा कि आपका स्टमक जो होगा पूरा खाली रहेगा। मतलब अगर आपको सुबह 9 बजे टेस्ट करवाना है तो आपको 9 बजे के बाद में आपको कुछ नहीं खाना होगा। और ये ज़्यादातर डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि सुबह पहले कर दें, क्योंकि पेशेंट खाली पेट होता है, उसको भी परेशानी होती है। तो इसके लिए आपका खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपके जो डॉक्टर हैं इंडोस्कोपी से पहले जो है कहते हैं कि आप अपना जो है ना, अगर आपको टॉयलेट को जाना हो या आप जो भी आपको ऐसा लग रहा हो तो आप अपना पेट भी साफ करके आ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा। और इंडोस्कोपी से पहले हो सकता है कि आपको जो अगर किसी हॉस्पिटल में करवा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल का जो गाउन होता है, जो कपड़े होते हैं, वो भी पहनना पड़ सकते हैं। तो प्रक्रिया के दौरान होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने जो लेफ्ट हैंड साइड के जरिए जो होता है लेटना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, आप जैसा इसमें देख रहे हैं पेशेंट के मुंह में, तो जो पेशेंट के मुंह में क्या होता है कि एक इस तरीके का जो होता है, जो एक जो जो ग्लव्स होता है वो पहना दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो पाइप होता है, पाइप जो होता है काफ़ी लंबा होता है, वो जो क्या होता है मुँह के अंदर तक चला जाए। मुँह के अंदर पाइप जाता है तो क्या होता है कि वो अंदर की पिक्चर लेकर आता है, और जहाँ पर भी डॉक्टर को कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो वो क्या कहते हैं उसकी पिक्चर ले लेते हैं, साथ में उसकी जो वीडियोग्राफी भी बनाते रहते हैं, बाद में उसको देखा जा सके। और अगर उनको कोई एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई देती है डॉक्टर को, तो उसको जो होते हैं एक पाइप अंदर से डालते हैं और उसको उसको काट के निकाल लेते हैं। हो सकता है इस दौरान आपको अनकम्फर्टेबल भी महसूस हो। अगर बात करूँ तो इंडोस्कोपी में के दौरान क्या होता है कि आपको जो इंडोस्कोपी हो जाती है उसके एक घंटे के बाद तक आपको लेटे रहना पड़ता है, मतलब आपको चुपचाप रहना होता है। और इंडोस्कोपी के बाद में आपको हो सकता है कुछ जैसे गैस बने पेट में, ऐठन या गले में खराश वगैरह इस तरीके की महसूस होता है। ये नॉर्मल होता है, कुछ समय के बाद होता है कि ये अपने आप चले जाएंगे और आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यदि आपको इसके बाद में भी कोई परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपके डॉक्टर जनरली आपको कहेंगे कि आप लिक्विड डाइट लें, ज़्यादा तला भुना कुछ इस तरीके का ना खाएं, नॉर्मल डाइट लें आप जो है। हो सकता है कि जो आपको इंडोस्कोपी के दौरान कहीं पर हल्का सा चिल्लाव वगैरह महसूस हुआ हो, तो आपसे इसलिए डॉक्टर कहते हैं आपकी जो नॉर्मल डाइट लें। इस प्रोसेस में जो होता है लगभग 10 से 15 मिनट से लेकर लगभग आधा घंटा भी लग सकता है। और इसकी रिपोर्ट क्या होता है कि डॉक्टर के शेड्यूल पर होता है। अगर डॉक्टर को ज़्यादा इंडोस्कोपी करनी होती हो तो हो सकता है इसमें 3-4 घंटे का भी समय लग सकता है, अदरवाइज इसकी जो रिपोर्ट होती है 1 से 2 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। इंडोस्कोपी में जनरली क्या होता है कि दर्द नहीं होता है और हल्का सा आप असहज महसूस कर सकते हैं, आपको बेचैनी या उलझन सी महसूस हो सकती है। अगर आप इसकी रिपोर्ट की बात करें तो क्या होता है, रिपोर्ट जो होती है इसकी रिपोर्ट जब 1-2 घंटे के बाद आ जाती है, तो अगर उसमें कोई अबनॉर्मल ग्रोथ या कोई तरीके का लाल रेडनेस वगैरह अंदर नहीं होता है तो क्या होता है रिपोर्ट नॉर्मल होती है। और अगर रिपोर्ट के अंदर कोई पॉलिप्स वगैरह कुछ अगर डॉक्टर पाते हैं तो वो क्या करते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी की रिपोर्टिंग के लिए भेज सकते हैं, जिसमें 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि जिसकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इसमें कैंसर है कि नहीं है।
वो डॉक्टर जो सैंपल है वो डॉक्टर आपको टीवी के लिए भी भेज सकते हैं, टीवी की जांच के लिए भी भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है जो पेट की टीवी भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं यदि आपको निम्न से कोई से भी लक्षण महसूस हो, जैसे होता है कि आपको एंडोस्कोपी के बाद यदि बुखार आ जाता है, आपको छाती में दर्द होता है, आपको सांस लेने में परेशानी होती है, या जो आपका मल का जो रंग हो जाता है गहरे रंग का हो जाता है, या आपको उसमें खून महसूस होता है, यदि आपको किसी तरीके की निगलने में कठिनाई होती है, मतलब इंडोस्कोपी के 1-2 दिन बाद भी, या आपको पेट में दर्द लगातार बना रहता है, या आपको कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और उल्टी में खून भी आता है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर जो है उसी तरीके का इसका निदान। अगर बात करें कि इंडोस्कोपी में क्या परेशानी होती है, क्या मतलब उन्हें जोखिम या क्या रिस्क है, तो इंडोस्कोपी जैसे बताऊँ एक बहुत ही एक जो सुरक्षित तरीका है, और इससे बहुत सारी आगे आने वाली परेशानियों का पहले पता चल जाता है, मतलब आपको पता चल जाता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बन रही है, बट हो सकता है कुछ इसमें परेशानी भी हो सकती है, जैसे कि क्या होता है जब छोटे बच्चों को बेहोश किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको जो है इंडोस्कोपी के दौरान हल्का सा खून वगैरह भी आ जाए, या हो सकता है कि इससे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए, बट इसका इलाज हो सकता है इजिली। बट इंडोस्कोपी एज सच बहुत ही जो होता है एक सुरक्षित और एक सेफ प्रोसेस है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। अगर हम इस टेस्ट की बात करें कि अपर GI ट्रैक्ट इंडोस्कोपी की क्या कॉस्टिंग होती, क्या प्राइस होता है, तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है लगभग 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में होती है। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है। सो अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।